बिहार के 3 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी AIMIM। हम लोगों ने 3 जगह पर अपना असेंबली के सीट में किशनगंज, भागलपुर और सिमरी बख्तियारपुर के हिस्से में लड़ने का फैसला किया है। बिहार में 1 लोकसभा और 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच मैं मीडिया से बात करते हुए AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बताया कि उनकी पार्टी किशनगंज के साथ साथ भागलपुर के नाथनगर और सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर से विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी। भैया, हमारी पार्टी तो अभी संगठन विस्तार का काम पूरे बिहार में हमारा चल रहा है। अभी 9-10 जिले में हमारा दौरा चल रहा है। हमारी पार्टी की आज भी मीटिंग थी बेगूसराय में, कल भी भागलपुर में है, और हम तो 2020 में पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ने का फैसला हम लोगों ने किया है, उसी एतबार से संगठन विस्तार कर रहे हैं। लेकिन उपचुनाव के लिए हम लोगों ने 3 जगह पर अपना असेंबली के सीट में किशनगंज, भागलपुर और सिमरी बख्तियारपुर के हिस्से में लड़ने का फैसला किया है। कुछ लोग समस्तीपुर से भी, जो पार्लियामेंट्री सीट खाली है, वहाँ से रबते में हैं। हम लोग यहाँ पर इम्कान अपने तलाश कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे पार्टी की कोर कमेटी की बैठक 2 दिन में हो गई, इंशाल्लाह कल ही होने वाली थी, किस वजह से हमारे कुछ जिम्मेदार लोग बाहर हैं तो नहीं हो पा रही है। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी फैसला कर लेंगे हम लोग, और फिर अपनी मरकजी क़यादत हैदराबाद से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मशवरे से अगला कदम हमारा तय होगा। अब हमारे दावेदार हैं, जो लोग हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, मेहनत किया है, जिन लोगों ने, कई लोगों की दावेदारी है, और मैं समझता हूँ कि सबका पार्टी से बहुत ही निष्ठापूर्वक रिश्ता रहा है। किसी एक को टिकट दिया जाएगा, बाकी लोग उसका साथ देंगे। हमारे कई लोग अभी दावेदार हैं। कहा मैंने कि 2-4 दिन के दरमियान में हम लोगों का, जाहिर है कि नॉमिनेशन के लिए बहुत कम वक्त रह गया है, तो हम जल्दी से जल्दी इसको फाइनल करेंगे। हम यहाँ पर जो अपनी टीम है उनसे मशवरा भी करके, और सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी मरकजी क़यादत को यहाँ की मकामी जो बात सामने में आती है उससे आगाह करके फैसला करेंगे। अगर आप भी अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो मैं मीडिया से संपर्क करें।